आप अगर हमारे चैनल से नए जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कहते हैं भूत प्रेत आत्मा रात में किसी आम इंसान की तरह ही रहते हैं और आम इंसानों की तरह ही इधर उधर घूमते हैं, पर उन्हें यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि कोई जिंदा इंसान इनके सामने आ जाए। क्या हो अगर आप रात में कहीं घूमने जाए और आपको वहां कोई ऐसा इंसान मिले जो देखने में तो ठीक ठाक और सही सलामत लगे, मगर आपको बाद में पता चले वो इंसान जो आपको अभी मिला था उसकी मौत काफी समय पहले ही हो चुकी है। ऐसी ही घटना एक आदमी के साथ घटी है जो बहुत भयानक है। ये बात आज से लगभग 9 साल पुरानी होगी। प्रदीप अपने दोस्तों के साथ घूमने गया हुआ था, पर आते वक्त काफी रात हो गई थी। करीबन रात के 11:30 बज चुके होंगे। प्रदीप के सब दोस्त अपने अपने घरों के रास्ते उतर गए थे और प्रदीप अकेला ही गाड़ी चलाते अपने घर की ओर जा रहा था। प्रदीप को उस समय उसकी तबीयत कुछ खराब लग रही थी, जैसे उसके हाथों पैरों में दर्द हो रहा हो और हल्का हल्का सा बुखार भी हो रहा था। रात का समय था, आसपास कोई डॉक्टर या मेडिकल भी नहीं खुले हुए थे। वो थोड़ा आगे ही गया होगा कि उसकी नजर रोड किनारे एक छोटे क्लिनिक पर पड़ी और वो इतनी रात को भी खुला हुआ था। प्रदीप ने सोचा, चलो डॉक्टर तो मिल गया है, जाके कुछ मेडिसिन ले लेता हूँ, नहीं तो सुबह काम पर जाने के लिए दिक्कत होगी। फिर प्रदीप अपनी गाड़ी उस क्लिनिक के सामने खड़ी करके अंदर जाता है। क्लिनिक अंदर से काफी पुराना लग रहा था और वो थोड़ा अंदर गया तो उसने देखा 40 या 50 साल का एक आदमी बैठा हुआ था और सामने बहुत पुराना एक लकड़ी का काउंटर लगा हुआ था। प्रदीप ने डॉक्टर को अपनी सारी परेशानी बताई और डॉक्टर ने प्रदीप की नस वगैरह चेक करी और एक टैबलेट प्रदीप को दे दी। फिर उन्होंने कहा, तुम इसको खा लेना, तुम्हारी तबीयत सुबह तक ठीक हो जाएगी और फिर कल जैसी भी तबीयत होगी मुझे फोन करके बता देना। उसके बाद डॉक्टर ने एक क्लिनिक का कार्ड प्रदीप को दे दिया। फिर प्रदीप गाड़ी पे बैठकर अपने घर तरफ जाने लगा, लेकिन प्रदीप यही सोच रहा था आखिर डॉक्टर ने एक ही गोली क्यों दी और पता नहीं कैसा पुराना सा क्लिनिक था। फिर थोड़ी देर में वो अपने घर पहुंचा और घर पहुंचते ही उसने वो टैबलेट खा ली। फिर अगले दिन प्रदीप जब उठा तो उसने महसूस किया उसकी तबीयत अब बिल्कुल ठीक थी। उसको इतना अच्छा पहले कभी नहीं लगा था। प्रदीप को अपने अंदर एक अलग सी एनर्जी महसूस होने लगी थी और वो यही सोच रहा था, क्या कमाल की दवाई थी, कसम से डॉक्टर को तो मानना पड़ेगा। भले ही पुराने से क्लिनिक में बैठे हुए थे मगर डॉक्टर जबरदस्त थे। फिर प्रदीप ने सोचा, अभी थोड़ी देर में डॉक्टर को फोन करके बता देता हूँ, अब मेरी तबीयत ठीक है। प्रदीप ने जैसे ही कार्ड के दिए गए नंबर पर कॉल लगाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, द नंबर यू हैव डायल्ड इज इनवैलिड, प्लीज चेक द नंबर यू हैव डायल्ड। प्रदीप ने एक बार फिर कार्ड पे अच्छी तरह से देखा तो उसका शरीर मानो ठंड सा पड़ गया। कार्ड पे लिखा था, लेट डॉक्टर संजीव अग्रवाल। प्रदीप ने यह सोचा कि क्या है ये, उसने दोबारा कॉल लगाया, द नंबर यू हैव डायल्ड इज इनवैलिड, प्लीज चेक द नंबर यू हैव डायल्ड। फिर दूसरी तरफ से वही आवाज आई। प्रदीप समझ नहीं पा रहा था आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कोई जिंदा आदमी
अपने कार्ड पे लेट कैसे लिख सकता है जब वो जिंदा सही सलामत क्लिनिक चला रहा हो। प्रदीप इसी सोच में अपने ऑफिस चला गया। वहाँ उसने अपने दोस्त दिलीप को सारी बात बताई तो दिलीप भी हंसते हुए प्रदीप की मजाक उड़ाने लगा। कैसी बात कर रहा है प्रदीप, ऐसा कभी होता है क्या? पर प्रदीप ने जैसे ही वो क्लिनिक का कार्ड दिलीप को दिखाया तो वो कार्ड देखकर दिलीप भी सोच में पड़ गया। फिर दिलीप ने कहा, दिखा कार्ड, मैं एक बार दिए गए नंबर पर फोन करके देखता हूँ। उसने फोन लगाया, वही आवाज दोबारा सुनाई दे रही थी। The number you have dialed is invalid. Please check the number you have dialed. फिर शाम को जब प्रदीप अपने घर वापस जा रहा था तो अभी प्रदीप के फोन पर उसी डॉक्टर का फोन आया। दूसरी तरफ से वो डॉक्टर अपनी अजीब सी आवाज में कह रहा था, क्यों बेटा, तुम्हारे दोस्त की भी तबीयत ठीक करनी है क्या? चलो ठीक हो जाएगी, उसका भी इलाज हो जाएगा। इतना कहते ही उसने फोन काट दिया। प्रदीप ने फिर फटाफट उसी नंबर पर फोन लगाने की कोशिश करी, लेकिन कई बार कोशिश करने पर भी वही नंबर नहीं लग रहा था। फिर प्रदीप ने तुरंत अपने दोस्त को फोन लगाया तो दिलीप ने कहा, बोल प्रदीप बोल। तभी प्रदीप को किसी जोर के टकराने की आवाज आई और उसके साथ ही फोन डिस्कनेक्ट हो गया। फिर कुछ देर बाद प्रदीप को पता चला उसके दोस्त दिलीप की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। प्रदीप तुरंत ही अपने दोस्त दिलीप के घर गया, वहां सब बहुत दुखी थे। प्रदीप भी उन लोगों के पास जाकर बैठ गया, लेकिन तभी प्रदीप के फोन पर दोबारा उसी डॉक्टर का फोन आया। प्रदीप इससे पहले कुछ बोल पाता वो डॉक्टर अजीब सी आवाज में बोलने लगे, क्यों बेटा, हो गया ना तुम्हारे भी दोस्त का इलाज? इतना सुनकर प्रदीप गुस्से में दांत पीसता हुआ बोला, जब मैं तुमको फोन लगाता हूँ तो तुम्हारा फोन नहीं लगता, और तुम कैसे बार बार मुझे फोन कर लेते हो? फिर डॉक्टर ने कहा, मेरा दूसरा नंबर भी है, लिख लो। वहां प्रदीप के पास कोई पेन और कागज तो था नहीं। उसने अपने बाजू वाले रोहित से कहा, एक नंबर नोट कर लो। फिर नंबर बताना शुरू करा। नंबर बताते बताते वो डॉक्टर यह भी कह रहा था, बेटा ये नंबर जो भी डायल करेगा उसका इलाज तुम्हारे दोस्त की तरह हो जाएगा। इतना सुन के प्रदीप ने तुरंत रोहित के फोन में झांका और बोला, भाई तुमने नंबर क्यों डायल किया? तो उसने कहा, हाँ भैया डायल किया था। प्रदीप ने वो नंबर चुपचाप उससे लिया और देखा यह नंबर तो वही था जिससे बार बार वो डॉक्टर संजीव अग्रवाल फोन कर रहा था। प्रदीप गुस्से में वहां से बाहर निकला और दोबारा फोन लगाया तो नंबर फिर नहीं लग रहा था। उसके बाद प्रदीप ने अपने घर की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी दिलीप के घर से फोन आया। वहां पे रोहित की भी मौत हो गई। किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। सब सोच रहे थे आखिर क्यों अच्छे वाले इंसान की मौत हो गई जिसे कोई बीमारी भी नहीं थी। यह सुनकर फिर से प्रदीप दिलीप के घर जाने लगा तो दोबारा उस डॉक्टर का फोन आया और अब की बार वो एक अलग सी हंसी के साथ बोलने लगा, बेटा तुम्हारे इस दोस्त का भी इलाज हो गया ना, बेटा अब तुम्हारा नंबर है। इतना बोलते ही उस डॉक्टर का फोन कट गया। प्रदीप उसे फोन लगाने की फिर कोशिश करने लगा, तभी उसके पीछे किसी गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। यह सुनकर उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसके तरफ एक ट्रक बड़ी तेजी से चला आ रहा था।
प्रदीप इससे पहले वहां से भाग पाता, वो ट्रक प्रदीप को रौंदता हुआ आगे निकल गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। हम हर रोज लाते रहते हैं ऐसी कहानियां। सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।